नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां सरायमंजन थाना क्षेत्र स्थित केदार संत रामाश्रय महाविद्यालय के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक से लाखों रुपए की लूट कर गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृत युवक की पहचान सरायमंजन थाना क्षेत्र के झखड़ा गांव निवासी व पूर्व सांसद दशमेघ देवी के भाई सुनील कुमार के रूप में की गई है। घटना सोमवार 7 जून 2021 की दोपहर करीब 2 बजे की है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जिला के सीमा को सील करते हुए घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम भी कर दिया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बैंक से पैसे की निकासी कर अपने घर झखड़ा जा रहा था कि घर पहुंचने से पहले ही पूर्व से घात लगाए हथियारबंद अपराधियों ने मृतक को गोलियों से छलनी कर दिया और पास में रखे सारे रुपए जो करीब लाखों में थी लूटकर भाग गए। आपको बता दें कि मृतक अपने गांव में CSP चलाते थे, जिसके लिए वे बैंक से पैसे की निकासी करने के बाद अपने घर आ रहे थे, जहां उक्त घटना को अंजाम दे दिया गया। इस बाबत पूछे जाने पर SDPO सदर प्रीतिश कुमार ने बताया कि मृतक बैंक से 5 लाख रुपए की निकासी कर अपने घर जा रहा था, जहां अपराधियों ने पीछा कर रुपए लूटने की नीयत से गोली मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जिले की नाकेबंदी कर अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। पता चल रहा है कि बैंक से 5 लाख रुपया निकाल कर ले जा रहे थे, उस दौरान अपराधी द्वारा पीछा करके रुपया लूटने की नीयत से उन पर फायरिंग किया है और रुपया तो उन्हें मिला है, संभव तो लूटा गया है। उस दौरान की गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है। तो अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या नाकेबंदी की गई है? यस सर, नाकेबंदी की गई है। मैं भी PO पर गया था, अभी देख कर फिर से PO पर जा रहा हूँ। छापेमारी चल रही है।